Hello students, I'm your Mahua ma'am and I hope you all are healthy and safe at home. Today I will explain the new chapter, chapter 6 of civics, markets around us. Okay, first we have to know some important words, the meanings of some important words. What are the words? First one is market. These are the new words. Market means the place where people go and sell things and buy things. Market ऐसा एक place है जहाँ पे लोग जाते हैं अपना सामान बेचने के लिए और कुछ लोग जाते हैं अपनी जरूरत की सामान खरीदने के लिए. Okay? So market is a place where the buyers and sellers both go for buying and selling. दोनों जाते हैं किसलिए? Buying और selling के लिए. कोई अपना सामान बेचता है, कोई अपना जरूरत का सामान वहां से खरीदते हैं. Next word is consumer. Consumer क्या होते हैं? Consumer is a person who buys the things from the market and they use it. Okay? क्या करते हैं? Consumer सामान खरीदते भी है किसी भी मार्केट से, किसी भी शॉप से और उसको यूज करते हैं. उनको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर. देन थर्ड वर्ड इज प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर मीन्स द पर्सन हु प्रोड्यूस. प्रोड्यूस मीन्स जो कुछ बनाता है. किसलिए बनाता है? वो बेचता है और उससे उसको प्रॉफिट मिलता है. दैट मीन्स प्रोड्यूसर इज अ पर्सन who produce a thing for his benefit. किसके लिए बनाता है? वो अपना benefit के लिए बनाता है, उसका फायदा होता है तभी वो चीज बनाता है. then उसको बेचता है. कैसे बेचता है? जो जिस जितना उसका खर्चा होता है बनाने में उसका उससे थोड़ा ज्यादा प्राइस में उसको बेच देता है. that means he earns the benefit from that product. उस सामान से उसको क्या होता है? benefit मिलता है. okay? The next point is intermediaries. Intermediaries means जो बीच में रहता है. कौन बीच में रहता है? जो buyers and sellers के बीच में होता है. बीच में होके क्या करता है? दोनों को interact करा देता है. जैसे कभी buyers की कोई सामान जो जरूरत है वो sellers से वो दिलवा देता है, या कभी seller जो sell करेगा उसके पास सामान है तो वो बेचना चाहता है तो वो किसी बायर है उससे कांटेक्ट करवा देता है. तो वो दोनों के बीच में रहता है. एंड ही इज कॉल्ड द पर्सन हु रिमेन्स इन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स. ही इज कॉल्ड द इंटरमीडियरीज. ओके, नाउ होलसेल. होल मीन्स पूरा. होलसेल क्या होता है? द पर्सन who buys the things from the factories or the producer. जैसे फैक्ट्री में एक चीज बन रहा है तो वो बहुत लार्ज स्केल में बनता है, बहुत ज्यादा बनता है. तो वहां से कोई जो आदमी बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां से सामान लेके आता है, खरीद के लाता है, देन वो दूसरे को बेचता है. ही इज होलसेलर. होलसेलर क्या करता है? डायरेक्ट फैक्ट्री से लेता है जहां से प्रोडक्शन होता है, और वो क्या करता है? जहां पे मान लो उसको क्रॉप्स लाना है, क्रॉप्स बेचना है, तो कहां से लाएगा? जहां फार्मर्स के पास जाता है, जहां पे क्रॉप प्रोड्यूस होता है वहां से सामान क्रॉप्स खरीद के लाता है. वो एक लार्ज अमाउंट में लाता है. एंड द पर्सन हु डायरेक्टली बायज द प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज और द फार्म्स आर इज कॉल्ड द होलसेलर. होलसेलर बाइज इन अ लार्ज अमाउंट, बहुत सारा ज्यादा अमाउंट में वो खरीदता है. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रिटेलर्स. ये रिटेलर्स कौन होते हैं? जो होलसेलर से सामान खरीदते हैं और जाके छोटी छोटी दुकानों में उसको बेचते हैं, वो क्या होते हैं? रिटेलर्स. ओके, जो दुकान में बेचते हैं वो एक साथ में बहुत ज्यादा सामान नहीं खरीदते,
जितना वो बेचेंगे उतना ही सामान वो खरीदते हैं और उनको क्या बोलते हैं, रिटेलर. ही इज अ पर्सन हु बाइज थिंग्स फ्रॉम द होलसेलर्स एंड सेल. ओके, सो हु इज द होलसेलर? जो बहुत सारा सामान खरीदते एक साथ में और डायरेक्टली फार्म्स और फैक्ट्री से खरीद के लाते हैं, और जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर से खरीद. ओके, नाउ वी विल नो दैट व्हाई डू वी नीड अ मार्केट. हमको मार्केट की जरूरत क्यों है? हम मार्केट जाते हैं, सामान लेते हैं, देन व्हाई वी नीड अ मार्केट? बिकॉज वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स दैट वी यूज इन अवर हाउस. हमारे घर में हम बहुत सारा सामान तो बना नहीं सकते. हमारे जरूरत के सामान तो बहुत कुछ होता है. जैसे फ्रॉम द मॉर्निंग वी व्हेन वी गेट अप देन वी यूज द टूथपेस्ट. उसके बाद हम चाय पीते हैं, देन वी नीड द टी एंड शुगर. ओके, उसके बाद धीरे 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 हम जितना भी टाइम निकलता है पूरे दिन हम कुछ ना कुछ हमारी जरूरत चलती ही रहती है. वी कैन नॉट बाय मेक ऑल द थिंग्स एट होम, सो वी हैव टू बाय इट. सो वी हैव टू बाय एंड देन वेयर वी विल गो? कहाँ जाएंगे हम? मार्केट में ही जाएंगे खरीदने. सो वी गो टू द मार्केट एंड वी बाय ऑल आवर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. ओके, सो मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. मार्केट के बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि मार्केट जाएंगे तभी हमको सामान खरीदने को मिलेगा, हमारी जरूरत के सामान. देन क्या होता है, हम मेडिसिन हमको जरूरत पड़ती है. मार्केट क्या होता है, कभी कोई कोई मार्केट होता है, देयर आर सम मार्केट्स व्हिच आर ओपन द होल डे बट एट नाइट इट क्लोजेस. कोई कोई मार्केट होता है और शॉप्स होता है पूरे दिन चालू रहता है, रात को भी होल नाइट चालू रहता है. लाइक मेडिसिन शॉप्स, मेडिसिन हमको कभी भी जरूरत पड़ता है तो पास वाले शॉप से लेके आते हैं, अदरवाइज रात को जब वो बंद हो जाता है. हॉस्पिटल्स में भी कुछ मेडिसिन शॉप होते हैं जो रात भर खुला रहता है 24 आवर्स. देन वी गो, इफ वी नीड मेडिसिन एट नाइट वी गो टू द हॉस्पिटल्स एंड बाय द मेडिसिन फ्रॉम देयर. तो हम वहां से मेडिसिन खरीद लेते हैं. देन फॉर बाइंग थिंग्स वी नीड मनी. हम किसके बदले में सामान लेते? वी बाय थिंग्स फॉर मनी, इन एक्सचेंज ऑफ मनी. हम मनी देते हैं फिर हमको सामान मिलता है. देन खाली प्रोडक्ट्स ही नहीं है, खाली सामान मार्केट नहीं है, उसके साथ साथ गुड्स जो हम खरीदते हैं और कुछ ऐसा भी होता है जो सर्विसेस होता है. एंड ये सर्विसेस क्या होता है? When we wear the clothes, ये clothes क्या करते हैं, इसको सिलने के लिए हम किसके पास जाते हैं? We go to the tailors. Then हमारी shoes को, shoes फट गया या कुछ जरूरत है तो हम कहाँ जाते हैं? Cobblers के पास में. And they give the services to us. उनको सही करके देते हैं हमको, है ना. हमारी tailor क्या करते हैं, हमारे dress को सिल के देते हैं, कपड़े सिल के देते. तो दे गिव द सर्विसेस टू अस. वो हमको गुड नहीं देते, सामान नहीं देते, वो हमको सर्विस देते. तो ऐसे दो तरह के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स, और वन गिव्स अस गुड एंड अदर्स गिव अस सर्विस. ओके, देन हम इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमेशा मनी पे करना पड़ता है. Without money, we cannot buy the services also, and we cannot buy the goods. Then, a farmer, what he do? A farmer has to come to the market to sell the crops. Farmer को अपना crops वो produce करते, उसके बाद उनको क्या करना पड़ता है? उसको बेचना पड़ता है. बेचने के लिए कहाँ आना पड़ता है उनको? मार्केट में आना पड़ता है. बिकॉज वो अगर मार्केट में नहीं आएंगे तो कौन उसका क्रॉप खरीदेगा? वो अपना क्रॉप्स को बेच नहीं पाएंगे.
So it is very important for a farmer also to come to the market to sell the crops. उनको crops सेलने के लिए आना ही पड़ता है. Then, so market is very important for us. Then market is a place where buyers and sellers they both come. Okay? कौन आता है? Buyer आता है. फिर seller भी आता है. Buyer क्या करता है? Buyer आके खरीदते हैं. They buy the goods. And this what the sellers do? They sell the good in the market. Okay? So buyers, sellers both come to the market, and it is very important for a buyer and seller to go to the market. उनके लिए बहुत जरूरी है मार्केट में जाना. Without market वो अपना buying, selling कुछ नहीं कर पाए. Then producer, producer means जो produce करते हैं अपना सामान बनाते हैं उनके लिए भी मार्केट जरूरी है. जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं ही इज ऑल्सो अ प्रोड्यूसर. सो इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर हिम टू कम टू द मार्केट टू सेल हिज क्रॉप्स. सो मार्केट इज वेरी नेसेसरी थिंग फॉर एवरीवन. ओके एंड नाउ सेकंड पॉइंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एक्सेस ऑफ पीपल टू द मार्केट. पीपल जो लोग हैं वो मार्केट में क्यों आए हैं, किस वजह से वो मार्केट में आते हैं, उसके कुछ फैक्टर्स हैं. एंड व्हाट आर द फैक्टर्स? नंबर वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नंबर टू इज प्रॉक्सिमिटी. नंबर थ्री इज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. नंबर फोर इज प्राइस. नंबर फाइव इज क्रेडिट. देन नंबर सिक्स इज इनकम लेवल. तो ये सब फैक्टर्स है, उससे क्या डिपेंड करता है? उससे ये डिपेंड करता है कि लोग मार्केट में कैसे जाएंगे. ओके लोग कितने लोग जाएंगे, कौन से मार्केट में जाएंगे, ये सब डिपेंड करता है इन सब पॉइंट्स के ऊपर. ओके सो नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो सामान जो गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो कितना अवेलेबल होता है. सो द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अ मेजर फैक्टर. एंड इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है. वी नीड सो मेनी थिंग्स इन अवर लाइफ, लाइक शुगर, लाइक क्लोथ्स एंड देन मेडिसिन ऑल्सो, टी, टूथपेस्ट, बुक्स, मैगजीन्स, एवरीथिंग वी नीड. एंड वी फॉर दैट वी हैव टू गो टू द मार्केट. वी नीड सो मेनी थिंग्स इन अवर डेली लाइफ. हमारे डेली लाइफ में हमको कोई ऐसा कोई हिसाब नहीं कि हमको इतना सामान चाहिए, हमको बहुत कुछ चाहिए होता है. एंड एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम द मार्केट. एंड सो इट इज necessary for people to go to the market for their daily needs. And then अगर सामान गुड्स एंड सर्विसेस अगर मार्केट में नहीं मिलेगा तो लोग वहां पे जाएंगे नहीं. बट इट इज नेसेसरी, वहां जाना जरूरी है क्योंकि हमारी जो डेली यूज के सारे सामान हमको कहाँ मिलेगा, मार्केट में मिलेगा. एंड अ कंज्यूमर हु यूजेस ऑल द थिंग्स. ओके कंज्यूमर कौन होते हैं, जो सारे चीजों को यूज करते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो इंटरेस्टेड तब होते हैं जब मार्केट में अवेलेबल होता है सारा सामान होगा, गुड्स होगा, सर्विसेज होगा, तो वो वहां जाने का इंटरेस्ट रहेगा. और मार्केट में अगर अच्छा चीज अवेलेबल नहीं हो, सामान जरूरत का नहीं मिलेगा, तो वो जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा. सो इट इज नेसेसरी टू हैव ऑल द डेली थिंग्स, ऑल द थिंग्स दैट वी नीड डेली इन द मार्केट, उसके अवेलेबल मार्केट में होना ही पड़ेगा, तब लोग जाएंगे. नहीं तो लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे जाने के लिए. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी मार्केट पास में हो, वहां पे बहुत सारा सामान मिलता है,
तो हम वहां पे जाएंगे लेने। अगर हमको लगेगा कि वहां पे तो ये चीज नहीं मिलेगा, वहां पे क्लोथ्स नहीं मिलेगा, वहां पे टूथपेस्ट नहीं मिलेगा, तो हम वहां पे नहीं जाएंगे। हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो देयर, क्योंकि ऐसे जगह ऐसे मार्केट में हम जाना चाहेंगे जहां पे हर तरह का चीज मिल जाएगा। ओके, एंड हु विल गो? द कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स द पर्सन हु कंज्यूम, जो यूज करेगा वो वहां पे जाएगा सामान लेने। ओके, सेकेंड वन इज प्रॉक्सिमिटी। इसका क्या मीनिंग है? जैसे सामान लेने लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मार्केट कितना पास में है और कितना दूर में है। अगर हमारे बहुत दूर कोई मार्केट होगा तो वहां पे हम बहुत कम जाएंगे, क्योंकि हमको ये लगेगा व्हाट वी विल थिंक दैट वी हैव टू गो सो फार, व्हाई डोंट वी गो नियर आवर हाउस, हमारे घर के पास में जो मार्केट है उसमें हम चले जाएंगे, क्योंकि ये जो बहुत ज्यादा दूर होगा तो उनको प्रॉब्लम होगा। जब हम कभी तभी वहां जाएंगे जब हमको कोई चीज यहाँ पास वाले मार्केट में नहीं मिलेगा, तभी हम दूर वाले मार्केट में जाएंगे। इसीलिए इट इज नेसेसरी टू गो टू द मार्केट विच इज नियर अवर हाउस। तो हमको कंज्यूमर कहा जाता है जो पास वाले मार्केट है वहां पे जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, अभी तो बहुत कंपटीशन का मार्केट चल रहा है, तो इसलिए क्या होता है, जो मार्केट्स क्या करते हैं, ऐसा करते हैं दूर में भी होगा तो वो इतना ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा सामान रखेगा, ऐसा सामान भी रखेगा जो पास वाले मार्केट में नहीं मिलता है, तो दे विल कीप ऑल द थिंग्स सो दैट द पीपल विल गो देयर एंड दे विल गेट इंटरेस्ट टू गो देयर एंड दे विल बाय थिंग्स फ्रॉम देयर शॉप्स और फ्रॉम दैट मार्केट। तो ये भी डिपेंड करता है कंज्यूमर कहां पे जाएगा नहीं जाएगा, उसकी डिस्टेंस के ऊपर। कोई पास वाला मार्केट है वहां पे लोग जाएंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? मान लो कोई चीज हम खरीद के ले आए किसी शॉप से एंड वो चीज अच्छा नहीं है, तो दोबारा हम जाएंगे वहां पे? नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको क्या लगेगा कि ये तो दुकान में अच्छी चीज नहीं मिलती है, तो हम वहां पे नहीं जाएंगे, दोबारा नहीं जाएंगे। एंड इफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ मार्केट इज वेरी गुड देन एवरीवन विल गो देयर। क्या है, अगर वो क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, मार्केट का सामान बहुत अच्छा होगा, तो लोग ऑटोमेटिकली, वो दूर भी होगा तो भी लोग जाएंगे, है ना, क्योंकि क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन ग्रोसरीज, जैसे ग्रोसरीज क्या करते हैं, इसलिए अभी छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गया है, एंड व्हाट दे डू, दे क्लीन द थिंग्स, दाल और अदर थिंग्स, मसाला सब ये क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करके उसको अच्छे से पैकेज करते हैं, पैकेजिंग भी हो जाता है एंड इट लुक्स गुड, द क्वालिटी इज इंक्रीज, सो पीपल गो द शॉप्स एंड बाय द थिंग्स। जिनके क्या होता है, ऐसे क्लीन नहीं होता है, जैसे सीरियल्स है, दाल एंड द मसाला स्पाइसेस, वो सब अगर क्लीन नहीं होगा तो लोग नहीं जाएंगे। सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द पीपल टू मेंटेन द क्वालिटी, द शॉपकीपर शुड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट पीपल विल अट्रैक्ट देयर एंड दे विल गो टू देयर शॉप। देन क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, देन इट इज थर्ड पॉइंट, देन प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, प्राइस। अगर किसी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा है तो नेचुरली हम नहीं खरीदते। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी चीजें हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं,
सेम चीज दो शॉप्स में मिल रहे हैं और मोर देन टू शॉप्स में मिल रहे हैं, तो हम कंपेयर करते हैं कहां पे उसका प्राइस कम होता है, जहां पे कम है वहां पे लोग जाएंगे, है ना। तो एक ही चीज के लिए हम क्यों ज्यादा पे करें, नहीं करेंगे। सो वी ऑलवेज सी, दैट मीन्स द कंज्यूमर्स ऑलवेज सी द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के प्राइस देखना बहुत जरूरी होता है, अगर प्राइस कम हुआ तो ऑटोमेटिकली उसी दुकान में सब लोग जाएंगे। सो प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन क्वालिटी तो हम देखते ही हैं, फिर हम उसका प्राइस भी देखेंगे कि अगर प्राइस थोड़ा कम है तो उसमें हम जाएंगे। भले कई कभी कभी हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा हो तो हम थोड़ा ज्यादा प्राइस देते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, हर चीज के लिए सेम क्वालिटी होगा तो कभी हम ज्यादा प्राइस नहीं लगा देंगे। हम जिसमें रिजनेबल प्राइस है उसी शॉप में जाएंगे, वहां से सामान खरीदेंगे। नाउ द क्रेडिट मीन्स लोन, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स लोन और उधार। नेचुरली शॉप्स के बाहर हम क्या देखते हैं, लिखा होता है नो क्रेडिट, ओके, दैट मीन्स उधार में कोई चीज नहीं देना चाहता है। बट हम क्या करते हैं, द शॉप्स विच इज नियर आवर हाउसेस, जो हमारे बहुत पास में है, वहां से हम क्रेडिट में सामान लेके आते हैं। कैसे, दे मेंटेन अ रजिस्टर द शॉपकीपर्स, एंड वहां से हम क्या करते हैं, कभी ऐसा होता है एंड कोई सामान लेके आते हैं, वहां पे हम नोट करवा देते हैं, एंड मंथली जब मंथ एंड होता है, जब लोगों को सैलरी मिलती है न्यू मंथ में, मंथ के फर्स्ट वीक में लोगों को जनरली सैलरी मिल जाती है जो जॉब करते हैं, उनके क्या होता है, फिर वो जब सैलरी मिलता है वो जाके दे पे फॉर द थिंग्स दैट ही ब्रॉट अर्लियर, ओके, जो पहले लेके आते हैं उनके लिए क्या करते हैं, जाके फिर उसको पे कर देते हैं। और ये इससे क्या होता है, जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं और ऐसे जो कंज्यूमर होते हैं जिनके इतने अच्छे सैलरी नहीं होता है, तो मंथ एंड में उनके पैसे की कमी हो जाती है। सो व्हाट दे डू, दे गो टू द नियर बाय शॉप एंड ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम देयर एंड दे डोंट पे एट दैट टाइम, वो एक साथ में मंथली उसको पे कर देते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि फोन कर दो तो उनको पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो घर पे भी सामान लेके जाते हैं। सो व्हाट वी सी दैट व्हेन अ शॉपकीपर गिव्स द प्रोडक्ट्स इन लोन, जब लोन में ले सकते हैं और बाद में पैसे दे सकते हैं, तब क्या करते हैं, तब किसी भी उस दुकान से लोगों को जिनके इनकम कम है, जो तुरंत उस टाइम पे पैसे नहीं दे सकते, दे कैन गो टू द शॉप एंड दे आर इंटरेस्टेड इन गो टू दोस शॉप्स एंड बाय थिंग्स, तो वहां से सामान वो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द इनकम लेवल, एंड हमको पता है, वी ऑल नो दैट द ऑल द पीपल्स इनकम लेवल आर नॉट द सेम, सबकी इनकम तो सेम नहीं होती है, सम अर्न मोर सम अर्न लेस, किसी के ज्यादा इनकम है किसी के कम इनकम होते हैं, तो ये इसीलिए क्या होता है, द शॉप्स आर डिफरेंट, इन शॉपिंग मॉल्स द पीपल हु अर्न मोर मनी द इनकम लेवल, द पीपल हुज इनकम लेवल इज हाई दे गो देयर एंड बाय द थिंग्स फ्रॉम द शॉपिंग मॉल्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड वहां से लेके आते हैं, जो जिनके बहुत ज्यादा इनकम होता है वहां चले जाते हैं, अपने पसंद का सामान ले लेते हैं, वहां से खरीद लेते हैं एंड पे करते लेके आ जाते हैं। बट द पीपल हुज इनकम लेवल इज लोअर, जिनके इनकम लेवल लो होते हैं, वो ज्यादातर शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग नहीं करते, उनको क्या होता है, शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो वहां ज्यादा पैसा देना पड़ता है, द प्राइसेस आर मोस्टली इट इज हायर, एंड उसके बाद में ये क्या करते हैं, जो छोटी छोटी नियर बाय शॉप्स में उनको
लोन में मिल जाता है, मंथली पेमेंट करते हैं, वो भी वहां फैसिलिटी नहीं होता है, तो इनको तुरंत उसी टाइम पे करके सामान लेना पड़ता है। एंड ज्यादातर वो जो लोअर इनकम लेवल है वो वहां पे नहीं जाते, वो कहाँ जाते हैं, वो नियर बाय जो शॉप्स होता है वहां से खरीदारी करते हैं, बिकॉज द प्राइसेस आर लोअर देयर एंड इन द शॉपिंग मॉल्स एंड द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस द प्राइसेस आर हायर। तो इनकम लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है लोग कहाँ जाएंगे शॉपिंग करने, किस मार्केट में जाएंगे, वेयर द पीपल विल गो। ओके, क्योंकि जिनके ज्यादा पैसा है, ज्यादा इनकम है, वो शॉपिंग मॉल्स में, बड़ी बड़ी शोरूम्स में जा सकते हैं, जिनके इनकम कम है वो थोड़ा चीप मार्केट में जाएंगे, जहां पे सस्ता मिलता है, चीप में मिलता है सामान। ओके, सो इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द फैक्टर्स एंड द नीड फॉर मार्केट, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं।